चार, क्योंकि आदमी की फितरत है जैसा वो होता है वैसे उसके साथी मोटे वाले के मोटे साथी होते हैं। हेलो, सुस्त आदमी के सुस्त होते हैं, नेटवर्कर के नेटवर्कर होते हैं, ड्राइवर के दोस्त ड्राइवर होते हैं। तो मोटे वाले आदमी के मैक्सिमम चांसेस है, यस और नो। अब हमारे प्रदीप जी को देख लीजिए, जब मैं आया इस इंडस्ट्री में तो मेरा 76 केजी वेट था, आज मेरा 88 केजी वेट है क्योंकि प्रदीप जी का भी 88 है। जब इंडस्ट्री में आया तब हम इतने ज्यादा नहीं मिलते जुलते थे, अब साथ रहना स्टार्ट किया तो मैं बोलता था कि मैं आपको अपने जैसा कर दूंगा, पर ये इतने ब्रदरहुड में आ गए, इतना प्यार दिखाते, सुबह काजू कतली लेके बैठते हैं गाड़ी में साइड में, कहीं पे भी जाना हो। अब काजू कतली लेके बैठेंगे तो आपको भी मालूम है कि कितनी देर तक आदमी कंट्रोल करेगा। मैं तो इनका नहीं कटवा पाया पर इन्होंने मेरा बढ़ा दिया। तो ये होता है कि जैसा आदमी है वैसे ही सारे उसका सर्कल मिलता है। फिर मेरा भी दिमाग खराब हुआ कि अब तो यार हद होगी, क्योंकि लास्ट महीने मैंने अपना वेट देखा तो 92 केजी। प्रदीप जी के साथ मैं एक शादी में गया, प्रदीप जी मीठे के इतने शौकीन कि शादी में भी हम ये बोले प्रदीप जी चलो बाहर मिठाई की दुकान है वो खा के आते। ऐसे इंसान के साथ रहना, आपको लगता है कि मैं अगले साल, मुझे लगता था मैं 100 केजी प्लस क्रॉस कर जाऊंगा, तो मैंने फिर एक ही लास्ट सोचा, भाई खाना तो छूट नहीं सकता, मीठा तो आएगा, क्यों नहीं इस मीठे के यही पीछे हम लग के ऐसा प्रोडक्ट बना दे, मीठा खाओ वेट घटाओ। पिछले 20 दिन से कार्ब कंट्रोलर मैं यूज कर रहा हूं और मेरा 4 केजी इनका मीठे खिलाने के बाद भी कम हुआ है, राइट। तो कार्ब कंट्रोलर बेसिकली, आपको मैं थोड़ा साइंटिफिक इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड कार्ब कंट्रोलर। या पीपीटी आप सब लोगों के पास पहुंच जाएगी, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग खोल के एक बार सुन लेना। और इसके पीछे इतनी बड़ी ट्रम एंड टेक्नोलॉजी मैं हमेशा यूज नहीं करता। आपने देखा होगा ओके लाइफ केयर एक ट्रेनिंग फ्री प्रोडक्ट, पूरी की पूरी सीरीज है हमारी। किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, अब इसकी ट्रेनिंग लेनी है। इसमें क्या है क्या नहीं है आपका काम नहीं। किसी ने ये बताया कि मेरे को माइग्रेन रहता है, मेरे को ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे पैरालिटिक अटैक आया है, बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्ट्रेस रहता है, तो आपके पास एक ही जवाब होता है कौन सा प्रोडक्ट ले। यदि किसी को थायराइड में प्रॉब्लम है तो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट मैंने इनोवेशन ऐसे नहीं किया, इसके पीछे भी बड़ा राज है। जैसे इस इंडस्ट्री में मैं आया तो मैं भी वही नोनी एलोवेरा और ये स्पायरोलिना पढ़ा पढ़ा के नेटवर्कर को, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता, कितना पढ़ाओ डुप्लीकेट होता ही नहीं था। मैंने सोचा इसका शॉर्टकट निकालना है भाई, अब शॉर्टकट निकालना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका फॉर्मूला सेट रहे और उसका जो नाम हो वही उसका काम हो। तो इसलिए हमने हार्ट के लिए क्या लेके आए, लीवर के लिए। अब ये भी आपको इसमें अंदर क्या है क्या नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, कि चीज याद रखनी है मीठा खाओ वेट घटाओ, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अब हल्का सा मैं बता देता हूं एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, राइट। कार्ब कंट्रोलर एग्जैक्टली, आपको पहले कार्ब पता होने चाहिए, होते क्या, किस किस को मालूम है कार्ब्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन जानता है, सभी जानते हैं, कोई नहीं जानता तो ये पक्का है कि डेली वो खाता है, क्योंकि उसके खाए बिना आपकी जिंदगी नहीं चलती। और उसको जब ज्यादा खाया जाता है, देखिए ह्यूमन बीइंग या किसी भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, हर किसी को अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये ग्लूकोज किससे आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। और बॉडी को जो क्रेविंग होती है, जो भूख लगती है, वो कार्बोहाइड्रेट भी पूरा करता है ना कि प्रोटीन पूरा करता है। हेलो, किसी को आयरन की भूख लगती है दिन में कि मैं आयरन खा लूं, किसी को कैल्शियम की अलग से भूख लगती है, किसी को विटामिन डी की भूख लगती है, किसी को फैट की भूख लगती है कि फैट खाना है मुझे, किस चीज की भूख लगती है,
जैसे ही आपकी लो एनर्जी होती है तो आपको क्रेविंग होना स्टार्ट होती है, आप कार्ब्स लेते हैं और कार्ब जैसे ही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है वहां डाइजेशन होता है उसका, क्या होता है, और डाइजेशन होकर वो ग्लूकोज में टूट जाता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाके वो एनर्जी दे देता है, सिर्फ की कार्ब का ये मतलब। अब आपके इस भोजन की थैली यानी कि स्टमक को मालूम नहीं है कितना कार्ब लेना है, हेलो, और इसका जो नेचर है वो इलास्टिक नेचर है, ये बड़ा भी हो जाता है कम भी हो जाता है, हेलो, इलास्टिक नेचर की वजह से आप जब मन करे तो दो चपाती खा सकते हैं, मन करे तो आप पांच चपाती भी खा सकते हैं, ये फूल जाता है। अब जो डेली पांच से सात चपाती खाता है, ज्यादा भात खाता है तो उसका फूला रहता है, तो वह कम खाता है तो उसका ये जब तक फूल नहीं होता तब तक उसको स्टार्टी नहीं आती, तो धीरे 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 उसकी फूड हैबिट बढ़ती जाती है। और आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आप तो फिर भी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं, नहीं तो दिल्ली जैसे एरिया में, एनसीआर जैसे एरिया में, मेट्रो सिटी में आंख खुलने से पहले बिस्किट मुंह में होता है चाय के साथ। तो ऐसे लाइफस्टाइल में कार्बोहाइड्रेट, और ये बड़ा मिसलीड भी किया गया पिछले 10 साल में 15 साल में कि फैट खाने से मोटापा बढ़ता है, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, फैट को रिड्यूस कर देते हैं डाइट से और अपना मोटापा कंट्रोल करने की बात करते हैं। और जो फैट को डाइट से रिप्लेस कर देता है तो उसके साथ क्या क्या स्टार्ट होता है, उसके बाल खराब हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, आई साइट खराब हो जाती है, हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं और थोड़े दिन तो स्लिम होता है बट जैसे ही वापस से फैट अपनी डाइट में लेता है तब तो उससे भी ज्यादा मोटा हो जाता है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? तो अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें यदि किसी चीज में मिलता है तो वो कार्ब को कंट्रोल करने में मिलता है। जब तक कार्ब कंट्रोल नहीं होगा, आप ही साउंड कंट्रोल करेगा। आवाज आ रही है? यस, कार्ब कंट्रोल मैंने बता दिया, ये एनर्जी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बॉडी के लिए जो आप अभी सुन पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, बेसिकली किस चीज से हो रहा है, ग्लूकोज से यानी कि कार्बोहाइड्रेट से। अब यदि इसको ही खत्म कर दिया जाए तो हम चल नहीं सकते, हेलो, हम काम नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो आदमी मर ही जाएगा यदि सारे कार्ब कंट्रोल कर दिया तो। ये जो टेक्नोलॉजी बनी है ये आपके 60% कार्ब को कंट्रोल करता है और 40% जो आपका एनर्जी के लिए चाहिए उसको छोड़ देता है। ओनली आप किसी की शुगर लेवल 300 के आसपास है, यदि आप खाने से पहले उसको यदि आप क्या देंगे, कार्ब कंट्रोल देंगे, तो मुझे लगता है उसकी डायबिटीज भी 2 घंटे में नॉर्मल हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? कितने घंटे में? 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवा के देखना, आपको ग्लूकोज का लेवल नीचे मिलेगा। और डायबिटीज के जो अभी जो रिसेंट मेटा एनालिसिस हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, स्टडी हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट खाने से डायबिटीज नहीं होती है, बैड फैट खाने से। और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेज है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है डायबिटीज को। और आप वाली जो बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट है, वो बेसिकली नॉन वेज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, प्रोटीन सोर्स नॉन वेज पे। अभी तो आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा गांव से जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे ही हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो यहां पे भी वो सारी चीजें आना स्टार्ट होगी। आई थिंक बहुत सारे आपको डायबिटीज पेशेंट नॉर्थ ईस्ट में भी मिलते होंगे, पर आज से 20 साल पहले डायबिटीज के पेशेंट को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव था, हेलो, अलग अनुभव था। हम मतलब सरप्राइज हो जाते थे, इसको शुगर है ऐसे बोल के, होता था या नहीं होता था? तो आज ये कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। यदि मैं आपको बात करूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, जैसे ही आपका ग्लूकोज ब्लड में जाता है तो आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ना स्टार्ट होता है। अब जो भी आप सिंपल कार्ब्स खाते हैं, जैसे मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, या
शुगर से व्हाइट शुगर से बनी हुई चीजें खाते हैं उसका ग्लाइसीमिक यानी कि ब्लड ग्लूकोज एकदम से बढ़ता है। आप जो आपको ये जो रेड वाला दिख रहा है ये है एकदम से हाई ग्लूकोज बढ़ना। अब ये कार कंट्रोलर करता क्या है कि आपके ग्लूकोज के लेवल को नीचे ले आता है यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में कम जाने देता है, उसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल है ज्यादा नहीं बढ़ता और ज्यादा नहीं बढ़ता तो धीरे धीरे कंज्यूम बॉडी कर लेती है और कंज्यूम कर लेती है तो बॉडी सेव नहीं करती और सेव नहीं करेगी तो वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा। राइट, ये मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस एक ही है कि यदि मैं मैकेनिज्म पे जाऊं आपके ऐसे आदमी किस किसने देखे हैं अभी अभी, इसको मैं बीन शेप बोलता हूं, बीन जैसे हो जाते हैं ऊपर से पतले नीचे से पतले बीच से ऐसे। रीजन कुछ भी हो, मैक्सिमम लोगों को रीजन पता है, WHO के डाटा बैठा आप घर पे बैठ के आराम से कितने लोगों को क्या है ये पढ़ सकते हैं, बट मेरा सीधा सा है कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। व्हाइट किडनी बीन्स एक्सट्रैक्ट है बेसिकली, कहां से बना है ये व्हाइट किडनी बीन्स, आपके यहाँ पे हमारे वहां पे लोबिया बोला जाता है इसको, आसाम में क्या बोला जाता है जो व्हाइट वाला आपका राजमा जैसा होता ना, व्हाइट व्हाइट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोबिया, मोगा, बोगा, राइट, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा, राइट, बोगा। व्हाइट किडनी बीन्स एक्सट्रैक्टर, व्हाइट किडनी बीन्स में बेसिकली मिलता क्या है यदि हम देखें तो जैसे आपने कुछ खाया वो आपके पेट में जाता है और आपके स्टमक में जाके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट किसकी हेल्प से होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम होते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। हेलो, क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। आप लोगों ने यहां ट्रेडिशनली यदि मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो आप राइस को बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, रात को भिगो के कपड़े में डाल के सुबह उसको पत्ते में लपेट के, हेलो, पत्ते में लपेट के खाया जाता है, शायद बोडो की तरफ ज्यादा ये कल्चर है। उसका बेसिकली क्या क्या उसका मीनिंग क्या है, वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है और फर्मेंटेशन से होता क्या है जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो हमारे कार्ब को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसका लोग उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देते हैं जिसके कारण हमारा जो राइस है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे ब्लड ग्लूकोज के लिए एक अच्छा फूड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम ही डाइजेशन का एक तरीका है जिसका लीवर खराब हो जाता है क्योंकि लीवर से मैक्सिमम एंजाइम बनते हैं, इसलिए उसको एसिडिटी रहना, गैस बनना, इसलिए रीजन क्योंकि उसका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अब हुआ क्या, यहां पे जैसे ही आएगा यहां पे एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है अल्फा अमाइलेज। क्या नाम है, अल्फा, एक ही वर्ड याद रखना है इसमें पूरे मोर कुछ साइंटिफिक नहीं है। क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अल्फा अमाइलेज, कौन कौन याद रख सकता है सारे, कौन सा है फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा एंजाइम है, याद हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है, उन टुकड़ों का नाम कहलाया जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के कारण ही एनर्जी मिलती है। अब जैसे ही आपका ये जो हमने व्हाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट को बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया है वो उसी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट किया गया है जो इस अल्फा अमाइलेज को बाउंड कर लेता है। सपोज करें अल्फा अमाइलेज एक के पास एक चाकू है, क्या है, एक नाइफ है, वो नाइफ क्या करता है, कट करने का काम करता है। अब उस नाइफ को ही पकड़ लेता है जाके, सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको जनरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में, उस नाइफ को ये बाउंड कर लेता, पकड़ लेता है, वो पकड़ने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट को काट नहीं पाता है। इसकी वजह से यदि नहीं काट पाएगा अल्फा अमाइलेज को ब्लॉक करने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट था वो आपका फ्लश आउट हो जाएगा जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे। समझ में आ गया मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, सिंपल सा मैकेनिज्म है और जो प्रोडक्ट भी बना है वो किससे बना है, आप वाली लैंग्वेज में बताओ ना, बोगा से बना, बोगा बोगी बिल कुछ सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है। ओके राइट,
तो अल्फा अमाइलेज को ब्लॉक करने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं होने देता और डाइजेस्ट नहीं होगा तो बाहर निकल जाता है। बट इसकी एफिकेसी क्या है, इसका पोटेंसी क्या है, जो हमारी स्टडी में पाया गया है, जो फेज टू टेक्नोलॉजी में पाया गया है, इसकी जो एफिकेसी है वो कितना करता है, 66% तक ये कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक कर सकता है। कितने परसेंट तक? 66% तक। आप इसको यूज क्या करना, कैसे यूज करना, कितनी डोज लेनी है। एक कैप्सूल है हमारा 400 mg का, कितने mg का? मिनिमम डोज आप 500 mg से लेके आपकी रहेगी 1500 mg तक आप इसको यूज कर सकते हैं। पर इसके जो आप बिल्कुल ही ज्यादा ही इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो 3000 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। बट इसकी जो रियल में आपको 500 से 1500 वाली जो रेंज है इसकी डोज की, वो आपके लिए बेनिफिशियली एक तरीके से स्टैंडर्डाइज डोज आपके लिए कंपनी रिकमेंड करती है, राइट। मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 3000 mg तक। बट रेंज क्या है? 500 से 1500 mg तक। अब लेना कब है? खाने से 10 से 15 मिनट पहले आपने इसको कंज्यूम कर लेना, उसके बाद खाना। अब आप आराम से किसी भी शादी में जाके, हेलो yes. किसी पार्टी में जाके ऐसा काम कर सकते हैं कि अगली बार वो आपको इनविटेशन ना दे। मेरी बात समझे? अब क्या कर सकते हैं, खुल के खा सकते हैं। किसी भी ऐसी पार्टी में जाना पड़े जहां फंक्शन में आपको अवॉइड नहीं कर सकते, डिलीशियस फूड बना, फेस्टिवल है, तो आपने करना क्या है, चाहे वेट कम करना करे या ना करे, पर अपने घर में रखा है तो कभी कभी आप आराम से इसको 15 मिनट पहले खाएंगे और आपका, आप प्रदीप सिंगा जी हैं, लास्ट टाइम मुझे मिले थे तो ये इंटरमीटिंग फास्टिंग पे थे, उसका काम भी ये आपका रिप्लेस कर सकता है उसी फास्टिंग को, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल ही उसमें आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता था, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ानी होती थी, राइट। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है और पूरी मार्केट में आपके ही पास और किसी के पास नहीं है। यदि इसके पीछे आप साइंटिफिक डोजेज इसकी आप देखेंगे, साइंटिफिक एविडेंसेस आप इसके पीछे देखेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स आप देखेंगे, तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी इसकी में पब्लिश है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ प्रोप्राइटरी अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर फ्रॉम वाइट बीन्स, यानी कि ऑन वेट एंड फैट लॉस इन ह्यूमन बीन्स। ये बहुत सारी पब्लिश स्टडी है, 2018 में पब्लिश है, आप देखेंगे फूड जर्नल में ये पब्लिश है। ये इसके रिजल्ट है स्टडी के भी, आप इसके बाद लेने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल कैसे कंट्रोल होता है और बॉडी का जो फैट रेशो है वो कैसे कम होता है। तो क्लिनिकली प्रूवन है, ये सेफ है, आपके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट एक केस में आप इसका ध्यान रखेंगे, जो सीवियरिटी ऑफ डायबिटिक है, कि कोई आदमी जो लास्ट स्टेज की डायबिटीज में है उसके साथ ये एनालिसिस, उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना। हेलो yes. मेरी बात समझ रहे हैं, उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि यदि वो इंसुलिन नहीं लेगा और इंसुलिन के साथ ये ले लिया तो आप एक्सपर्ट नहीं है इसको स्टैंडर्डाइज करने में, तो उसका हो सकता है लो एनर्जी के कारण उसको अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। तो इसलिए आपको डायबिटीज के लास्ट स्टेज वाले में, क्रिटिकल स्टेज में इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। ये दूसरी स्टडी है, फेज टू इंप्रूव बॉडी कंपोजिशन ऑफ ओवरवेट वुमेन सब्जेक्ट इन यूरोपियन जर्नल का ये पब्लिकेशन है, ये दूसरी स्टडी है। तो बहुत सारे क्लिनिकल एविडेंसेस हैं इसके पीछे कि आप इस प्रोडक्ट को सेफली यूज कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इसको और ज्यादा समझना चाहते हैं, तो आप गूगल कीजिए, फेज टू टेक्नोलॉजी वाइट बीन के नाम से आप यदि देखेंगे कार कंट्रोलर, तो आपको बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी जानने को मिल जाएंगी। अब इसका जो डीपी और एमआरपी रखा गया है वो कितना है?
एमआरपी कितना है, डीपी कितना है, बीवी कितना है, यानी कि एक प्रोडक्ट से भी कंसिस्टेंसी पूरी हो सकती है। बस 200 रुपए का आपको राइस ब्रांड और खरीद लेना है तो आपका कंसिस्टेंसी। हेलो, मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रोडक्ट से भी क्या हो सकती है। हाँ, 200 रुपए का राइस ब्रांड बोल तो दिया साथ में, छोटे वाली कंसिस्टेंसी 2000 डीपी की है ध्रुव जी, 6 महीने। और ये कितने का है, 1800 प्लस 200 कितने हुए। तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ, साबुन और एक आपने एक दो चीज और खरीद ली साथ में, तो आपका एक प्रोडक्ट ही कंसिस्टेंसी पूरी कर सकता है। और एक प्रोडक्ट मुझे लगता है आपकी दिमाग में अब लिस्ट बन गया होगा कौन कौन पड़ोस में मोटे आदमी है। हेलो, और मेरा मानना है इससे ही हमने करना चाहिए। और इसके बाद एग्जैक्टली आपको करना क्या है, जिस आदमी को ये प्रोडक्ट आपने दिया, जिस आदमी को ये प्रोडक्ट दिया उसका पहले दिन वेट मेजर करना है आपने, और एक महीने के बाद फिर से वेट मेजर करना है। हेलो, अगले महीने आपको कुछ क्लिनिकल ट्रायल कुल स्टडी दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका वेट ही और उसकी टेस्टिमनी ही आपके लिए क्या हो जाएगी। और मेरा मानना है टेस्टिमनी का हेल्थ में जितना महत्व है डायरेक्ट सेलिंग में और किसी चीज का इतना महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ टेस्टिमनी को भी आपको उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देनी चाहिए, अपने फोन में उसको फीड करके रखना चाहिए। जिसको रिजल्ट आता है आप आराम से किसी के साथ ये शेयर करेंगे तो आराम से वो ट्रस्ट, एक प्रोडक्ट का ट्रस्ट बढ़ेगा और उसकी सेल आसान से हो जाएगी। राइट, अब मुझे बताओ कैसा प्रोडक्ट लगा आपको, जबरदस्त है। ऐसा कभी सुना था कि मीठा खाओ वेट घटाओ, ये ओके लाइफ केयर में ही पॉसिबल है, क्योंकि आज से पहले किसी ने सुना भी नहीं था कि 2 लाख में भी जनरेशन हो सकता है। राइट, बैटर यू की एक बार